बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आज सिवान में चल रहे जिले के सबसे बड़ा टूर्नामेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दिल्ली बनाम गोपालगंज के बीच हुआ। वहीं दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जब गोपालगंज की टीम बैटिंग करने उतरी तो शुरुआत कोई खास नहीं था, फिर भी मैच में जान डालकर 158 रन का लक्ष्य दिल्ली की टीमों को दिया। जवाब में उतरी दिल्ली की टीम का शुरुआत बेहद ही खराब थी। उम्मीद लगाया जा रहा था कि दिल्ली की टीम ही जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन उसका उलट हुआ। दूसरे इनिंग के पहले ही ओवर लेकर आए अनुजराज गोपालगंज की टीम की ओर से लगातार दिल्ली के मजबूत बैट्समैनों को पवेलियम का रास्ता दिखा दिया। यही नहीं, तीसरा बॉल डॉट डालकर चौथा बॉल पर एक और विकेट लेकर अपने गोपालगंज के टीमों के लिए ओवर हैट्रिक विकेट ले लिए। इससे दिल्ली के टीमों का जो पलायन था वो सब फेल हो गया और विकेट रोक कर खेलने लगे। फिर मैच के 14वां ओवर तक उतार चढ़ाव देखने को मिला। आखिरी ओवर में दिल्ली की टीम को 6 गेंद पर 26 रन की जरूरत थी। इस तरह से 12 रनों से ये मैच दिल्ली की टीम हार गई और गोपालगंज की टीम ने मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मेमोरियल टूर्नामेंट के कप पर कब्जा जमा लिया। वहीं जीते हुए टीम को 1 लाख का नगद और हारे हुए टीम को 51,000 का राशि दी गई। इस मैच को शुभारंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मैडम हिना साहब, विधायक और बिहारी चौधरी जी व हरिशंकर यादव जी। देखिए ये राजेंद्र स्टेडियम से एससीओ न्यूज का ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं एसईओ न्यूज। देखिए ये बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बल्ले के किनारे तक नहीं फेंक पाई वापस। गेंदबाज के पास कोई रन लेने का मौका नहीं। 10 गेंद 27 रन। तैयार उम्मीद इस बार व्हाइट लॉन्नर की कोशिश है। बिल्कुल फिर से यॉर्कर गेंद बिल्कुल जड़ में, ज्यादा कुछ कर नहीं सके। 1 रन लेने का मौका वहां तेज फील्डर रमेश शर्मा पहुंचे। स्कोर बढ़ता हुआ 132। इस बार वही रोक कर भाग गए हैं 1 रन से ही संतोष। 7 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता। हमें कौन है और ये गेंदबाज ने शूट करना चाहते थे। गेंद छकाती है बल्लेबाज को, कीपर के पास को रन नहीं तो 6 गेंदों में यहाँ से 25 रन की आवश्यकता। पहली गेंद और बीत रहा है वहाँ रन आउट का प्रयास है कि सफल ना हो सके। इस बार फ्लैश कर दिया वहाँ पर मौजूद 1 रन। तो अब अपने 4 गेंदों में 4 छक्का लगा सकते हैं रणजीत। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मानना चाहते थे 19 रन और अगर 3 गेंदों पर 3 छक्के आते तो सुपर ओवर का भी नजारा हम दर्शकों के बीच दिखा पाएंगे। अंतिम में क्षणों में भी काफी